आज कौन सा दिन है आपका? आज का फर्स्ट दिन ही है मेरा। फर्स्ट दिन एसी टेलीकॉम में। हाँ, इतना सब चीज नॉलेज आपको भाई कैसे? हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती थी, दिक्कत होती थी दुकान पे काम करते समय। जी जी। तो फिर यहाँ आने के बाद वो पहले ही दिन ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला पहले दिन। जी, ऐसा लग रहा है। तो अभी आपको कोई सा भी कंपोनेंट ट्रेसिंग करने में या पहचानने में कोई सा भी डाउट है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती जी। अभी इजीली तरीके से ढूंढ पाएंगे? हाँ, ढूंढ पाएंगे कि वो कैपेसिटर है कि रजिस्टर है कि थर्मिस्टर ढूंढ पाएंगे आप? हाँ, ढूंढ पाऊंगा। विदाउट डायग्राम की डायग्राम उठा? हाँ, विदाउट डायग्राम के ढूंढ पाऊंगा। विदाउट डायग्राम आप थर्मिस्टर ढूंढ पाएंगे? हाँ, ढूंढ पाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आज की क्लास कैसी रही आपकी? आज कल एकदम बेस्ट थी, एकदम बढ़िया थी। जी जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम भारत वर्मा है, मैं आगरा से हूँ। भारत जी, मुझे बताइए आज क्या क्लास थी और कौन से दिन की क्लास है? आज सर हमारी पहली क्लास है, मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट। इसी टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन? यस सर। कैसा रहा भाई, कैसा समझ में आया? सर बहुत कुछ समझ में आया जी, आज तक समझ में नहीं आया, वहाँ समझ में आया। अभी तक समझ नहीं पा रहे थे जो आज एक दिन में ही समझ में बहुत कुछ समझ में आया। मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचानते हैं, उनकी वैल्यू क्या है, क्या काम करते हैं, कैसे ट्रेस करते हैं, सब कुछ समझ में आया और बहुत अच्छे तरीके से आया जी। मतलब सारा चीज आपको इजीली तरीके से समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। क्यों समझ में आ रहा है, यहाँ कोई ऐसा थ्योरी बता दिए? हाँ सर, एक फायदा है थ्योरी के साथ तुरंत बाद ही प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो उसमें क्या है कि पूरा जो भी डाउट रहता है थोड़ा बहुत भी तो उसमें क्लियर हो जाता है। बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि थ्योरी दे दिए और फिर आपको रूम छोड़ दिए, ऐसा नहीं। बहुत अच्छी मिलती है अच्छी, तो सर उससे अच्छी ट्रेनिंग भी मिलती है। जी जी जी। मतलब आपको आज की क्लास में कोई डाउट है क्या? नो डाउट सर, कोई डाउट। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुमार राजेंद्र सिंह, मैं नेपाल बैठे हूँ। क्या क्लास थी आज आपकी? आज कंपोनेंट्स को बारे में आज हमें दीप सर पढ़ाउनु भयो, वहाँ अति नै राम्रो तरिकाले हामीलाई सिकाउनु भयो। कंपोनेंट्स को बारे में हामीलाई धेरै वर्षदेखि जुन हामी काम गरिरहेका थियौँ त्यो हामीले नसिकेको कुरा आज हामीले सिक्यौँ। आज हामीले कंपोनेंट्स को बारे में धेरै राम्रो पीसीबी में कति कुराहरु कंपोनेंट्सहरु हुन्छन्, कसरी ट्रेस गर्ने, उसको भ्यालु कतिको हुन्छ, कसरी नो भ्यालु अथवा कसरी ट्रेस गर्ते हैं, हजुर, सबै कुराहरु आज हामीले मजाले सिक्यौँ जी। तो आजकी क्लास में कोही आपको थोड़ा सा भी डाउट है क्या? छैन सर, यसमा केही पनि प्रकारको डाउट हुँदैन, यहाँ धेरै नै राम्रो तरिकाले सिकाइन्छ। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मैं हैप्पी शर्मा, मैं जम्मू से। हैप्पी जी, आज बहुत हैप्पी हैं आज। जी सर। क्यों भाई? सर आज जो क्लास चली है फर्स्ट डे। हाँ फर्स्ट डे। तो क्या क्लास चली आपकी? कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट वन की क्लास थी? जी जी। किसके साथ थी? देव सर के साथ आपकी कंपोनेंट वन की क्लास। जी जी। तो समझ में आया आपको? जी सर, बिल्कुल समझ में आया सारा चीज, स्टेप बाय स्टेप क्या देखने का क्या नजरिया है, उसको कैसे ट्रेसिंग करना है, ट्रेसिंग करना है, वो सब कुछ। थर्मिस्टर ढूंढ पाएंगे आप? जी सर। लोग तो डायग्राम उठाते हैं उसके लिए, थर्मिस्टर के लिए सीधा पहचान लेंगे विदाउट डायग्राम। कितने मिनट में ढूंढ पाएंगे? देखने से पहचान लेंगे, देखने से ही पहचान जाएंगे कि अब ये थर्मिस्टर है कि क्या रजिस्टर है, कंप्यूटर है, सब पहचान लेंगे। तो इस समय हम लाइव है और हमारे साथ है 28 अगस्त की बैच। यस सर। तो ये बताइए मुझे कि मैं आपको पढ़ाने के बाद लाइव आया हूं ना? यस सर। पढ़ाने के बाद तो अब इंडिया में किसमें दम है कि जो पढ़ाने के बाद पहली दिन की क्लास के बाद आपके साथ में लाइव आ सके सारे स्टूडेंट के साथ है, किसी में दम? हम क्यों आ रहे हैं लाइव? क्योंकि हमने पढ़ाया आपको, हमने आपको सिखाया है। तो पांच से ज्यादा बार सवेरे किस किस ने रिबोलिंग किया है सपने की? उसके बाद किन के साथ क्लास थी आपकी? देव सर के साथ क्लास थी। देव सर के साथ क्लास का जो देव सर का नॉलेज था वो किस लेवल का था? मतलब एक यूट्यूब वाला नॉलेज था क्या आपको? उससे ऊपर हो गया मिला? तो जो नॉलेज है वो नॉलेज किस लेवल का? एशिया टेलीकॉम के टीचर्स का। अच्छा, उसी का प्रैक्टिकल किया? किस किस ने प्रैक्टिकल किया है लाइव मेरे सामने बैठ के? किस किस ने करा? सबने किया है। रिजल्ट मिले हमको? कंपोनेंट में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है क्या? हमारी कंपोनेंट वन की क्लास आज है, टू की कब होगी? कल होगी। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एशिया टेलीकॉम मतलब? एशिया टेलीकॉम मतलब? थैंक यू। सो हाँ दोस्तों, मैं देवदत्त अग्रवाल, एशिया टेलीकॉम को फाउंडर। अगर आपको पढ़ना है एक ऐसी मोबाइल रिपेयरिंग एक गुरुकुल से जहाँ पे डिसिप्लिन हो, जहाँ पे आपको गारंटी मिले, जहाँ पे आप तीसरे चौथे दिन में आपने सीपीयू एमएमसी पावर सब लगाकर बैठ गए हो, ताकि उसके बाद थ्योरी का मजा आए और थ्योरी के साथ भी आप डेली सीपीयू लगाए, ताकि आपको आपका हैंड स्किल बना रहे, क्योंकि हैंड स्किल नहीं होगा तो सीपीयू का पैड जान के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जहां पे आपको डीप लेवल की थ्योरी मिले, जहां पे आपको वो सर्किट वो सोल्यूशन मिले जो आपको मार्केट में भी नहीं है, और सॉफ्टवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर से आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का ज्ञान मिले, और उसके अलावा मिले आपको ईएमसी जिसमें यूएफआई पढ़ाया जाए, और जेटेक जिसमें आपको लेटेस्ट
जो आईसी है, जो सीपीयू चेंजेस, सब कुछ आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं एसर टेलीकॉम। अगर आपको सीपीयू मास्टर बनना है तो ज्वाइन करो मेरी इस महीने की 28 तारीख की क्लास, 25 तारीख तक आपको पहुंचना है यहाँ पर, तो आज ही कॉल करो, ये मौका ना चूकने दो। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7000731192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्निक।